क्रीमी माइलो मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने माइलो का बड़ा पैकेट लिया है, 400 से 500 वाला, आप चाहें तो छोटा साशे ले लें। साथ मैंने 2 मिल्क पैक लिए हैं ऑलपर्स के, 1 पैकेट मिल्क क्रीम का और 1 कप चीनी, चाहें तो 1 कंडेंस्ड मिल्क का टिन भी डाल सकते हैं आप। इन सब चीज़ों को मैं एक ग्राइंडर में डाल दूंगी। माइलो मैंने तकरीबन 4 से 5 बड़े खाने वाले चम्मच, जो चावलों वाला चम्मच होता है, मैंने वो लिए हैं और इनको मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। जो हमें बना बनाया माइलो का शेक मिलता है वो थोड़ा कड़वा होता है, इसको आप चॉकलेट मिल्क शेक कह लें, माइलो शेक कह लें, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मैं अक्सर बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूँ। ये बहुत ही यम बनता है। इसके अंदर आप अगर वनीला आइसक्रीम का 1 स्कूप डाल देंगे तो आप जो बाहर से जाके कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, 350-250 का एक ग्लास लेते हैं आप, वो इक्वल उसके आ जाएगा। थोड़ा बहुत फ़र्क तो होगा कोल्ड कॉफ़ी में और इसमें, कॉफ़ी के ऑब्वियसली कॉफ़ी का थोड़ा सा एक फ्लेवर नहीं आएगा, लेकिन उससे सिमिलर टेस्ट होगा। या वो जो चॉकलेट मिल्क आइस शेक आप लोग बाहर से लेते हैं 450-500 की रेंज में 1 सर्विंग, ये उसको कम्पीट करता है पूरी तरह से। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और माइलो की क्वांटिटी, माइलो के पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा डालिएगा। मेरे बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है और यकीनन आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा इसको पसंद करेंगे। ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट ड्रिंक्स। पर मैंने थोड़ा सा माइलो का पाउडर स्प्रिंकल किया है, आप चाहें तो क्रश की हुई चॉकलेट भी डाल सकते हैं। कुकिंग में बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है। ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।